हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लिगाड़े पाटिल आईटी एकेडमी। माय सेल्फ जयप्रकाश सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था और वीडियो अपलोड हम लोगों ने किया था, वहाँ पे बड़ो बाई मिस्टेक कहीं से डिलीट हो गया, तो उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं हम लोग और फिर से पढ़ रहे हैं। तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, नहीं भी देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला जिन्होंने नोट कर लिया, वेरी गुड। अगर आप फिर से रिपीट करना चाहते तो कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ से जेई और नीट में प्रॉब्लम आते हैं, पूछा गया है, आप देखेंगे प्रीवियसली अब पूछा गया है इसमें। तो हम लोग इसमें कई पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन हमें पढ़ना है, जैसे कि हमने जीओसी में भी पढ़ाया है कि अल्किन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हाउ टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन। तो हमने बोला था कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा ज्यादा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, टेक वन एग्जाम्पल CH3, सी डबल बॉन्ड CH3 एंड H3C, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड CH3, दिस इज हाइड्रोजन, अगेन आप यहां पे CH3, अगेन CH3। दो एग्जाम्पल हमने लिया है और इस समय हमें फाइंड आउट करना है कि विच इज द मोर स्टेबल। तो हमें स्टेबिलिटी, हमने आपको बताया था कि कभी भी अल्किन का स्टेबिलिटी अगर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करो, अक्रॉस द डबल बॉन्ड जो कार्बन है उस कार्बन से कितने अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं, बट अल्फा हाइड्रोजन वही होगा जो कार्बन से कार्बन डायरेक्टली लगा रहता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अगर काउंट करते हैं आप अल्फा हाइड्रोजन तो देयर आर 12 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर आप यहाँ के अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो देयर आर 3 3 6 एन प्लस 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्किन की स्टेबिलिटी, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। तो हम लिखते हैं कि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो उस हिसाब से स्टेबल कौन सा होगा, किस जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि इनकेस ये तो दोनों अलग अलग थे, यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, बट प्रॉब्लम डिफिकल्टी वहां पे आएगा हमें आंसर करने में, जबकि अल्फा हाइड्रोजन सेम हो, अल्फा हाइड्रोजन सेम हो बट उनका ओरिएंटेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल CH3 सी डबल बॉन्ड CH3 H और यहां पे सेम एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सी डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन, सेम मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं H3C। ठीक है, देखिए यहां पे भी अगर आप अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करेंगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, तो टोटल हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पे भी काउंट करेंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन देयर आल्सो 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर ये 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो हमें कैसे सॉल्व करना है, आप देखिए हमें स्टेबिलिटी निकालना है, तो यहां पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, बट पहले वाले केस में क्या था, 12 अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन। इट इज वेरी इजी टू क्लेरिफाई व्हिच इज द मोर स्टेबल। आपने बता दिया कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बट यहाँ पे दोनों के पास क्या है 6 6 से, तो हाउ टू डिटरमाइन विच इज द मोस्ट स्टेबल। तो एक तरफ और भी देखिए कि हमने आइसोमर में पढ़ा है कि अगर दो ग्रुप सेम साइड, दो सेम ग्रुप अगर सेम साइड होंगे दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर, एंड दो सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड होगा दिस इज द ट्रांस आइसोमर।
ट्रांस आइसोमर, ए है सिस आइसोमर और ए है ट्रांस आइसोमर। तो सिस और ट्रांस में अगर हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है और देखना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इन केस जब अल्फा हाइड्रोजन दोनों मॉलिक्यूल में क्या हो सेम हो, तब कैसे निकालना है कि दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का इस CH3 मॉलिक्यूल को जो यहां पे अटैच है जो ग्रुप, इसको ओपन कर दीजिए एच एच। अब देखिए इस बल्कि ग्रुप को, बल्कि मतलब बड़ा ग्रुप होता है, बिगर ग्रुप है, क्लाउड है, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि दिस डिस्टेंस इज L1, ए डिस्टेंस है L1 एंड दिस CH3 एंड दिस CH3 का डिस्टेंस जो आप ले रहे हैं हमने लिया है एज्यूम कर लेते हैं कि L2। तो डिस्टेंस अगर देखा जाए तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है, लेंथ की बातें करें, लेंथ की बातें करें L2 इज ग्रेटर देन क्या है L1। तो अगर L2 इज ग्रेटर देन L1 है तो L1 का डिस्टेंस कम है, ये जो दोनों ग्रुप आपने CH3 लगाया है इसका डिस्टेंस कम है, अगर इसका डिस्टेंस कम है तो पास पास है तो वैले तो पास पास है, तो सोचिए कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने एक थ्योरी पढ़ा था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, उसमें तीन एक ऑर्डर बनाया था, तीन टाइप के रिपल्सन होते हैं, एक होता है लोन पेयर रिपल्सन, एक होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन और तीसरा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पे तो ऐसा लोन पेयर है नहीं, यहाँ पे बॉन्ड है, तो बॉन्ड में L1 का अगर CH3 के बीच का डिस्टेंस इन बिटवीन डिस्टेंस L1 है और यहाँ पे L2 है और L1 कम है L2 ज्यादा है तो बोलेंगे कि इस CH3 का इस CH3 से रिपल्सन ज्यादा होगा और यहाँ पे ड्यू टू द अपोजिट साइड एंड ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द CH3 एंड CH3 इनके बीच में रिपल्सन कम होगा। जब किसी मॉलिक्यूल में रिपल्सन कम होता है, जब किसी मॉलिक्यूल में रिपल्सन कम होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होता है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, और जब किसी मॉलिक्यूल में रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी और एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इसमें रिपल्सन कम होगा, अगर इसमें रिपल्सन कम होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी कम और इसकी एनर्जी ज्यादा, तो जिसकी एनर्जी कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगा ज्यादा। तो उस हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि ट्रांस इज मोर स्टेबल, ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन क्या होगा सिस एल्कीन। ये हो गया स्टेबिलिटी का, एल्कीन स्टेबिलिटी का पार्ट, अगर डिफरेंट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो विच वन कंटेन मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन होगा कि अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तो आप रिपल्सन से फाइंड आउट करके बता सकते हैं। बट हमने एल्कीन का एक एग्जांपल लिया है जहां पे भी कोई कंजुगेशन नहीं है, अगर कंजुगेशन का केस आएगा इट इज मोर स्टेबल देन द दिस सिंगल डबल बॉन्ड एल्कीन, क्योंकि रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होता है उसकी स्टेबिलिटी ये सिंपल जो हमने लिया है कि आप एक सिंगल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड की जो एल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी कम होगा और वहां पे ज्यादा होगा, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसको। हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड डाइपोल मोमेंट। ये आप पढ़े हो पहले से केमिकल बॉन्डिंग में, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। अच्छा, अब बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट अराइज कब होता है, तो डाइपोल मोमेंट जो अराइज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है अराइज होता है। तो अगर हमें डाइपोल मोमेंट का फाइंड आउट करना है तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। जैसे अगर हमने एग्जांपल ले लिया कि HCl है हमारे पास, तो HCl में आप सबको पता है वेल नोन हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या है हाइड्रोजन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का रिप्रेजेंटेशन होता है, आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे या डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो बनाएंगे और उसके टेल को काट देंगे और वो एरो का हेड
उसकी तरफ होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? क्लोरीन का, तो क्लोरीन की तरफ क्या आएगा? उसका हेड। और हाइड्रोजन की तरफ क्या आएगा? उसका टेल। और टेल को कट कर दो तो सोचो कि ये जो बॉन्ड होगा, इनिशियली दिस बॉन्ड इज फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, वन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, बट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ये किसकी तरफ शिफ्ट होगा? क्लोरीन की तरफ। तो क्लोरीन क्या अपीयर कर रहा होगा? डेल्टा माइनस एंड डेल्टा माइनस। और हाइड्रोजन क्या अपीयर कर रहा होगा? डेल्टा पॉजिटिव, मींस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। मींस अगर कहीं पे डाइपोल मोमेंट है तो उस मॉलिक्यूल में क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव अपीयर होगा, इसलिए वहां पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगा? नॉन जीरो। जब भी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो होगा, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर कंपाउंड आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड। क्या बोलती भी? पोलर कंपाउंड। तब ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, जब हमें अल्कीन में कैसे फाइंड आउट करना है, तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं जो अभी पिछला क्लास में लिया था, सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री एच एच एस थ्री सी सी साइड सेकेंड। आप ट्रांसलेट लीजिए सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री एस थ्री सी एस थ्री सी। इस तरह ट्रांस अल्किन या ट्रांस टू ब्यूटेन, आईपीएसी नेमिंग में हमने बताया था ट्रांस टू ब्यूटेन एंड सिस टू ब्यूटेन। तो अगर डाइपोल मोमेंट की अगर बात कर रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट कैसे निकालना है, तो हमें डाइपोल मोमेंट कब आएगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमें यहां पे तो क्लियरली दिख रहा है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है बट क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है ड्यू टू द डिफरेंस। बट यहां पे कार्बन से डायरेक्टली क्या लगा है? कार्बन। और यहां पे भी कार्बन से कार्बन और यहां पे कार्बन से कार्बन। देन हाउ टू डिसाइड कि व्हिच वन कैरी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल दोनों होंगे? तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। और इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन के पास एक सिंगल बॉन्ड इधर लगा है, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, देयर आर फोर बॉन्ड, और फोर बॉन्ड रहेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। और सेम केस में यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। अब नोटिस करिए, आपको हमने याद रखिए कि हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है हाइब्रिडाइजेशन में, sp होता है, sp2 होता है, देन क्या होता है? sp3। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विच आइटम? कौन सा कार्बन होगा या कौन सा आइटम होगा? sp, फिर sp2, फिर sp3। तो इसमें इसका sp2 और इसका क्या है? sp3। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जैसे क्लोरीन की तरफ बॉन्ड गया उसका हेड था, वैसे इस कार्बन की तरफ हेड होगा। इसके टेल को काट देंगे यहां पे, इसके टेल को। और हाइड्रोजन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही होगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक। अब वेक्टर को हमें कंपोनेंट सॉल्व करना है, तो फिजिक्स तो अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, फिलहाल आपको वेक्टर पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि ये वाला वेक्टर दोनों क्या हो रहे हैं? सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका वेक्टर सब क्या होना चाहिए? जीरो। बट इधर से CH3 डोनेट कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, तो दोनों की डोनेशन क्या है? डिफरेंट है। तो सोचो अगर 10 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, तो 1-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? 9 वैलेंस। तो इन दोनों का CH3 का डोनेट करना और हाइड्रोजन का डोनेट करना दोनों डिफरेंट होगा, तो CH3 रिजल्टेंट में ज्यादा बचेगा, तो ये क्या मिल जाएगा आपका? μr। मींस ए वाला वेक्टर इस वेक्टर को नहीं कैंसिल आउट करेगा, ए वाला वेक्टर इसको नहीं कैंसिल आउट करेगा, तो μ0 इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अगर μ0 इक्वल टू जीरो है तो सिस टू ब्यूटीन कौन सा कंपाउंड? पोलर कंपाउंड। सिस टू ब्यूटीन क्या है? पोलर। सिमिलरली हियर ऑल्सो दिस कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 and this carbon is sp3 hybridized and sp3 hybridized, sorry, यहां पर आप इसको चेंज कर लेना, ये हाइड्रोजन होगा, इसको CH3 कर लो, क्या आप इसको क्या करो, दिस इज हाइड्रोजन
एंड इसको आप सी एच थ्री कर लो क्योंकि हमें ट्रांस बनाना है एंड दिस इज ठीक हो गया ट्रांस। तो दिस कार्बन इज एस पी थ्री हाइब्रिडाइज एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो एस पी थ्री और एस पी टू। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके तरफ उसका हेड होगा और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका हेड इसका टेल, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो दिस वेक्टर इज कैंसिल आउट बाय दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज कैंसिल आउट बाय दिस वेक्टर। दोनों वेक्टर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका म्यू क्या हो जाएगा जीरो और म्यू जीरो होगा तो ट्रांस टू ब्यूटीन क्या होता है नॉन पोलर। तो अगर हमें डाइपोल मोमेंट बताना होगी किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है सीस या ट्रांस का तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा सीस है हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस। ठीक ठीक डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वायर मोमेंट। बॉइलिंग पॉइंट, अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करना है तो बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल हम लोग चेक करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेंडरवाल फोर्स सरफेस एरिया। मींस बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सरफेस एरिया डिवाइड बाय ब्रांचिंग। और पहला तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा या जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। तो अब क्या चेक करना है कि जहां पे इंटरेक्शन ज्यादा होगा हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन कहां पे होगा जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे इंटरेक्शन ज्यादा होगा। अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट चाहिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो अगर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। जैसे बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो किसको हीट ज्यादा लग रहा है वाटर को। तो क्योंकि वाटर के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट की जरूरत है, जहां पे इंटरेक्शन ज्यादा होगा वहां पे हमें ज्यादा हीट रिक्वायरमेंट होगा। अगर ज्यादा हीट रिक्वायरमेंट होगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो आप सोचिए कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ज्यादा इंटरेक्शन होगा या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो उसके हीट करने के लिए उसको बॉइल करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है। तो अभी आपने देखा कि सिस जो है सिस जो ब्यूटीन आपने बनाया था और जो ट्रांस ब्यूटीन बनाया था ये ट्रांस हो गया और इस सीस हो गया। तीन इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो था, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो था बट ये क्या था म्यू इक्वल टू जीरो और म्यू नॉट इक्वल टू जीरो था तो ये क्या था पोलर और ये क्या था नॉन पोलर। तो नॉन पोलर का मतलब चार्ज है नहीं न्यूट्रल है, और पोलर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट चाहिए, इसमें किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऑलवेज सिस हैव द मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द ट्रांस। बट अगर हमें केस ऐसा लेके चलना है कि फाइंड आउट करना है कि अल्कीन अल्कीन एंड अल्काइन में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो अल्कीन जो होता है अल्कीन जो होता है वो कंप्लीटली क्या होता है नॉन पोलर, ये क्या है पोलर और ये भी क्या है पोलर। और अल्काइन इज स्लाइटली मोर पोलर देन क्या होगा अल्कीन, तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसमें इस केस में हो जाएगा अल्काइन
देन अल्कीन, देन अल्कीन। बट अगर अल्कोहल से कंपेयर कर दिया जाता है कि अल्कोहल भी अगर इसमें ले लेते तो किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती, तो अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता, OH ग्रुप आता, और OH ग्रुप जैसे आ जाएगा कौन सी बॉन्डिंग आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट अल्काइन से भी ज्यादा किसका हो जाएगा, अल्कोहल का। ए है बॉइलिंग पॉइंट, और रीजन क्या है यहां पे कि ड्यू टू क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर सीस और ट्रांस की बातें करेंगे तो पोलर होता है, नॉन पोलर, पोलर है तो मोर इंटरेक्शन, मोर इंटरेक्शन होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, अगर ज्यादा हीट चाहिए तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बातें करते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए हमें बेसिकली पढ़ना पड़ता है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, एक होता है पोलर सॉल्वेंट और सेकेंड होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट जिसे हमने क्या ले लिया, वाटर, और इसमें क्या ले लिया, बेंजीन। ठीक है, तो वही एग्जांपल अगर हम फिर से ले लें, सीस और ट्रांस की बातें करें, और ये ट्रांस ले लेते हैं, ट्रांस एंड सीस। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या था, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और ये पोलर था और ये क्या था, नॉन पोलर। तो दोनों में हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो अगर हमें पहला बात करना है कि इन पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट में लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, पोलर डिजॉल्विंग पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्विंग नॉन पोलर। अगर पोलर सॉल्वेंट की बात करना है तो जो पोलर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, सीस इज ग्रेटर देन क्या होगा, ट्रांस। अगर सेकेंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ट्रांस इज ग्रेटर देन सीस, बिकॉज ट्रांस क्या है, नॉन पोलर। और एक प्रिंसिपल है, दिस प्रिंसिपल बेस्ड ऑन लाइक डिसॉल्व लाइक, मीन्स पोलर इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट में पहले कौन डिसॉल्व होगा, सीस, बिकॉज सीस क्या है, पोलर और ट्रांस। नॉन पोलर में किसमें डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर। नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी, तो डेंसिटी में हम लोग लिखेंगे ट्रांस अल्कीन है मोर डेंसिटी या मोर डेंस देन सीस अल्कीन। चलिए ये चीजें हमने लिख रखा है कि ट्रांस अल्कीन है मोर डेंसिटी देन सीस अल्कीन, ऐसा क्यों होता होगा। अब देखिए डेंसिटी का मतलब ये है कि पैकिंग एफिशिएंसी, अगर मॉलिक्यूल के बीच का स्पेसिंग अगर कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो उतना ही कॉम्पैक्ट होगा, उतना ही कॉम्पैक्ट होगा तो उतना ही सॉलिड होगा, तो उसको हीट करने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो
अगर स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल अगर ज्यादा हो, जैसे गैसियस की बात करें, तो उसको हमें मेल्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो तो ऑलरेडी उसके मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो मेल्ट करने की जरूरत नहीं है, तो उसको टेम्परेचर कम लगेगा। तो सारी चीजें ये है कि जितना ज्यादा पैकिंग इफिशियंसी होगा, वाइड कम होगा, गैपिंग कम होगा, तो उसको हीट करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। अगर पैकिंग इफिशियंसी कम होगा और वाइड ज्यादा होगा, गैपिंग ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा होगा, तो उसको हीट करने के लिए, मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कि हम बोलेंगे पैकिंग इफिशियंसी। अगर क्लोज पैक होगा, पूरी 99% उसकी क्लोज पैकिंग इफिशियंसी, मतलब पैक्ड है, उसमें वाइड नहीं। और एक बोले कि 10% ही पैकिंग इफिशियंसी, बाकी 90% क्या वाइड। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसकी पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हम डेंसिटी से रिलेट करें। तो जिसकी पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगा। तो पहले डेंसिटी की बात करते, अगर पैकिंग इफिशियंसी की बात करें, तो ट्रांस को आप ऐसे अरेंज करेंगे, चेयर मान लीजिए, और सीट को आप ऐसे अरेंज करेंगे, बोट मान लीजिए, बोट सेम साइड होगा। तो एक चेयर के ऊपर दूसरा चेयर रखिए, इसकी पैकिंग इफिशियंसी देखिए और ये बोट वाले की पैकिंग इफिशियंसी देखिए, कहां पे वाइड आपको ज्यादा मिलेगा, मतलब ये सीस है और ये ट्रांस है। तो ट्रांस की पैकिंग इफिशियंसी ज्यादा होगा, पैकिंग इफिशियंसी का मतलब यहां पे वाइड कम मिल रहा होगा, ये जो गैपिंग है यहां पे वाइड कम मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू सीस, सीस में वाइड ज्यादा मिलेगा, तो डेंस कम हो जाएगा। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगा, ट्रांस इज मोर डेंस देन। अब ट्रांस इज मोर डेंस देन सिस है, तो देन मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसी का ज्यादा होगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा। तो अगर जिसकी डेंसिटी ज्यादा, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ट्रांस, तो ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट भी किससे ज्यादा होगा, सिस से। और एक भी डेंसिटी से हमने डिफाइन कर लिया कि डेंसिटी से ही बता देंगे आप, डेंसिटी इसका क्या है, पैरामीटर है चेक करने का कि ट्रांस है मोर डेंसिटी, ट्रांस है मोर डेंसिटी डेंसिटी, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। दूसरा पॉइंट है मोर सिमेट्रिकल मोर मेल्टिंग पॉइंट। जितना ज्यादा सिमेट्री होगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे सिमेट्रिकल का मतलब ये कि कॉम्पैक्ट हो जाएगा, तो जैसे हमने ये ले लिया, इसका नाम है टॉलिन, लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पे एक CH3 और लगा दिया तो ऑर्थो जाइलिन नाम है इसका। सेम, अब ऑर्थो वाले पोजीशन के CH3 को रोटेट कराते हुए चले जाओ, दिस इज द मेट ऑफ जाइलिन, एंड अगर उसी को पैरा पोजीशन पे ले लेते हो CH3, दिस इज द पैरा जाइलिन, दिस इज द मोर सिमेट्रिक। पैरा जाइलिन को अगर देखो तो इसमें सिमेट्रिकल कौन सा सबसे ज्यादा है, तो पैरा जाइलिन इज मोर सिमेट्रिक। तो अगर पैरा जाइलिन मोर सिमेट्रिक है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट देन, इसकी मेल्टिंग पॉइंट देन। और ये था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन, जिससे आपसे क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है और पूछते भी हैं वो लोग कि स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, या मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, आपको क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके 4-5 पॉइंट जो है सभी क्वेश्चन पूछने के लायक है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको जनरल याद होना चाहिए कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे हमें फाइंड आउट करना और किस टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। तो डेंसिटी तक हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।